हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट में डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया जाए या किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया जाए सॉल्वेंट जनरली uh, जो वाटर होता है वो मिला करके तो हाउ टू कैलकुलेट द न्यू कंसनट्रेशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन तो चलिए हेडिंग ही लिखते हैं Uh, problems on dilution of solution, mixing of solutions. Chalye. तो ये आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस देखिए कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए जो आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है जो कंसंट्रेशन टर्म्स आपने कैलकुलेट किए हैं जो मोलैरिटी मोलैलिटी या परसेंटेज की डेफिनीशन्स हैं उन्हीं का यूज़ यहाँ पर आने वाला है कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं है बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है एंड यू हैव टू सी हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम्स चलिए क्वेश्चन लेके शुरुआत करते हैं मान लो मैं यहां दो क्वेश्चन ले रहा हूं ऐसे कहा जाए कि फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड वेन ओके okay. हम क्वेश्चन को यही लिख लेते हैं क्या था 100 हंड्रेड एम एल थ्री था पॉइंट वन एम था इसमें 900 हंड्रेड एम एल वाटर मिला दिया तो ये प्रॉब्लम हुई डाइल्यूशन की तो क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड अगर इनिशियली 100 एम था एसिडिक एसिड पॉइंट वन मोलर कैपिटल एम प्लस नाइन हंड्रेम एल तो ये फाइनल सॉल्यूशन है तो हाउ टू सॉल्व इट देखो हमें फाइनल मोलरिटी फाइंड आउट करनी है एसिडिक एसिड की तो सी एस थ्री सीओ एच की फाइनल मोलरिटी या मोलर कंसेंट्रेशन देखो मैंने क्या ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया अगर आप ध्यान से देखें इस स्क्वायर ब्रैकेट को तो ये स्क्वायर ब्रैकेट किसी भी स्पीशीज के अराउंड लगा देते हैं तो इट इंडिकेट्स इट इज ए मोलर कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर तो मोलरिटी या मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड फाइनल एफ फॉर फाइनल सिंपल डेफिनेशन मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम बट चूंकि आपने वाटर मिलाया है इसमें तो वॉल्यूम बढ़ गया होगा तो टोटल मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड अपॉन टोटल वॉल्यूम तो हम क्या बोल सकते हैं टोटल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर आप कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को यही देखो एसिडिक एसिड acid तो बस यहीं से आएगा यहां से तो केवल वाटर आ रहा है तो एसिडिक एसिड acid कितना आएगा मोल्स निकालने हो तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम भाई मोलैरिटी क्या होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो मोल्स क्या होगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मोलैरिटी कितनी पॉइंट वन वॉल्यूम कितना वन हंड्रेड बट ध्यान दो अब ये मोल नहीं आए क्या ही ये मिलीमोल एक मोल में कितनी मिलीमोल होते हैं वन थाउजेंड अच्छा ये मिलीमोल क्यों है बिकॉज वॉल्यूम हमने एमएल में लिया है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन एम क्या देगा आपको नंबर ऑफ मिलीमोल्स आ गए नंबर ऑफ मिली मोल्स और तो कहीं से आएंगे नहीं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया वो भी एमएल में लेना है अगर ऊपर मोल्स ले रहे हैं तो नीचे वॉल्यूम लीटर में ऊपर अगर मिली मोल्स हैं तो नीचे वॉल्यूम एमएल में लेना होगा तो यहां ऊपर मिली मोल्स हैं ये तो नीचे वॉल्यूम भी एमएल में कितना वन हंड्रेड एम प्लस नाइन हंड्रेड एम कितना वन थाउजेंड एम आप बताएं व्हाट विल बी द आंसर सो आंसर विल बी पॉइंट जीरो वन मोलर यही आंसर है आपका दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डाइल्यूशन अच्छा यहीं पर एक बात आप सीखेंगे कि मान लो कि क्वेश्चन में या मान लो एक सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको एच टू एस ओ फोर का पॉइंट टू मोलर तो आप एक बात ध्यान रखना है कि जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में है तो सॉल्यूशन फॉर्म में है इसका मतलब वाटर भी है और एसिडिक एसिड acid भी है और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब विच आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर। तो H2SO4 जब टूटता है तो कैसे टूटता है टू एच प्लस एक्वस प्लस एसोफोर टू माइनस एक्वस तो फिर हमसे कोई कहे कि एच का सोल्यूशन है पॉइंट टू मोलर तो बताओ एच प्लस की फाइनल कंसेंट्रेशन उसमें क्या होगी जो H2SO4 की कंसेंट्रेशन होगी उसका डबल क्योंकि H+ कितना आएगा डबल आएगा तो डबल मतलब 2 इंटू पॉइंट टू पॉइंट फोर एम सिमिलरली क्वेश्चन पूछे कि सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी इसी सॉल्यूशन में एक H2SO4 में कितना सल्फेट छुपा हुआ है वन तो पॉइंट टू मोलर है तो पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट टू मोलर सो लाइक दैट वी हैव टू सी फॉर द स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज कंप्लीटली हालांकि ये ज्यादा अच्छे से हम बताते हैं इन डेफिनेशन को इन चैप्टर कॉल्ड आयनिक इक्म बट अभी भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर जैसे एसिड्स में सी एस थ्री एच सॉरी ये नहीं है तो वीक का एग्जाम्पल है मैंने गलत ले लिया एच सी एल एच बी आर एच आई एच एन ओ थ्री एच सी एल ओ फोर एच टू एस ओ फोर एटसेट्रा बेसिस में स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं लाइक like NaOH के ओ एच बेरियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा सॉल्ट भी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं जैसे एनएससीएल पोटेशियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट बी एस सी एल टू एटसेट्रा चलिए अब क्वेश्चंस की थोड़ी वैरायटी बढ़ाते हैं मान लो ऐसे कहे क्वेश्चन फाइंड फाइनल कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर में मोलैरिटी तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन जैसे दो क्वेश्चंस ले रहे हैं हम ए और बी दोनों को सॉल्व करेंगे मान लो ऐसे था 100 ml 0.1 m h2so4 प्लस एक्व 400 फोर हंड्रेड एम एल पॉइंट टू एम एच सी एल अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं दोनों को सॉल्व करेंगे वन बाय वन वन हंड्रेड एम एल पॉइंट वन एम एच सी एल थ्री हंड्रेड एम एल मान लो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन को मिक्स किया तो बताओ हर आयन की जो भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे कंसेंट्रेशन क्या होगी बी पार्ट पे भी इन दोनों को मिक्स करने पर जो फाइनल सॉल्यूशन ऑप्टेन होगा उनमें व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ ईच आयन दैट वी हैव टू फाइंड आउट चलिए वन बाय वन वी विल टेक ए पार्ट जरा ए पार्ट को देख तो लो कौन सा सोल्यूशन था इनिशियली एच टूजोर उसमें क्या मिलाया HCL. भी क्या है एसिड एच सी एल भी क्या है एसिड और ध्यान रहे एसिड में एसिड मिलाएंगे नो केमिकल रिएक्शन बेस में कोई बेस मिलाएंगे नो केमिकल रिएक्शन रिएक्शन कब होगी जब एसिड में बेस मिलाएं या बेस में एसिड मिलाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है तो जैसे यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही एच टूजोर में और एचसीएल में तो फिर तो आप डायरेक्टली कंसनट्रेशन निकाल लो H प्लस की सभी आइनो में कैलकुलेट करनी है पहले H प्लस फाइनल कंसेंट्रेशन तो फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगी टोटल मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन टोटल वॉल्यूम अच्छा टोटल मोल्स ऑफ H प्लस कहां कहां से आएंगे यहां से भी आएंगे और यहां से भी आएंगे तो मोल्स निकाल निकालने मोल्स क्या होते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम तो मोलैरिटी पॉइंट वन इंटू वॉल्यूम वन हंड्रेड अच्छा ये मोल नहीं है क्या है मिली मोल ठीक है प्लस। नहीं इसमें टू से भी मल्टीप्लाई करना होगा टू से क्यों बिकॉज एक मोल एच टूज फोर में कितना एच प्लस छुपा हुआ है दुगना। तो यहां से टू से मल्टीप्लाई किया अब यहां हो, यहां से भी एच प्लस आएगा कितना मोलरिटी इंटू वॉल्यूम पॉइंट टू इंटू वॉल्यूम फोर हंड्रेड बताओ किसके मोल हो गए एच सी एल के और एक एच सी एल में कितना एच प्लस छुपा हुआ है वन तो वन से मल्टीप्लाई कर दिया ये समझ में आया कि यहां वन से मल्टीप्लाई क्यों किया और यहां टू से मल्टीप्लाई क्यों किया आ गए टोटल मिलीमोल्स अपन वॉल्यूम लेना है किसमें लोगे।, लोगे मिलीलीटर में।, तो मिली में कितना हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड मोलर थोड़ा फर्दर सॉल्व करें तो कितना हो गया 20 मिलीमोल्स प्लस कितना 80. मिलीमोल नहीं ये पॉइंट वन ही था मैंने थोड़ा डेटा सही नहीं लिया इसको पॉइंट वन ही कर देते हैं तो फॉर्टी आ गया ये फोर्टी डिवाइडेड बाई फाइव हंड्रेड सो आंसर विल बी सिक्स अपॉन फिफ्टी एम फर्दर सॉल्व कर लेंगे आप सिमिलरली और कौन से आयन होंगे सोल्यूशन में सल्फेट आयन सल्फेट so, आयन की फाइनल कंसेंट्रेशन क्या होगी बिल्कुल सिमिलर तरीके से कहां से आएगा सल्फेट आयन फर्स्ट सोल्यूशन सेकंड से नहीं आएगा सेकंड में सल्फेट आयन है ही नहीं तो फर्स्ट में मोल्स या मिली 0.1 पॉइंट वन इंटू वन हंड्रेड एक में से एक, एक में से एक क्यों एक एच टू फोर में एक सल्फेट आयन है डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम फाइव हंड्रेड तो पॉइंट वन अपॉन फाइव तो वन बाई फिफ्टी एम अच्छा और कौन सा आयन बचा कैलकुलेशन के लिए क्लोराइड आयन एच सी एल हो जाता है कंप्लीटली इंटू एच प्लस एंड सी एल माइनस केवल से आएगा क्लोराइड आयन केवल यहां से आएगा एच सी एल से तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम पॉइंट टू इंटू फोर हंड्रेड और एक में से एक डिवाइडेड बाई टोटल तो वॉल्यूम फाइव हंड्रेड ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए तो कितना हो गया एट बाई फिफ्टी एम मिकल रिएक्शन इफ इट इज अकरिंग और नॉट जैसे इस क्वेश्चन में देखें एक एसिड है और दूसरा बेस है दोनों को रिएक्शन करा रहे हो रिएक्शन तो होगी कौन सी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो पहला काम रिएक्शन कराओ कंसेंट्रेशन वगैरह तो बाद में कैलकुलेट होगी पहला काम रिएक्शन कराओ यदि रिएक्शन हो रही है तो तो रिएक्शन हो रही है यहां पर कौन सी एच टू सॉरी बी पार्ट है ना हाँ रिएक्शन एच सी एल में और कौन एन एच में ये एक अच्छी हैबिट है कि आप एक्वस लिख के चलें एक्वस का मतलब दिस इज डिजॉल्व इन वॉटर एंड आयोनाइज ऑल्सो क्या बनाएगा एन ए सी एल सॉल्ट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से क्या बनता है सॉल्ट और यहां वाटर लिक्विड अच्छा एच के मिलीमोल्स कितने थे क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ेगा तो वन हंड्रेड इंटू पॉइंट के मिलीमोल्स कितने हैं 300 हंड्रेड इंटू पॉइंट वन थर्टी मिलीमोल्स अब आप ही बताओ इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ऑब्वियसली एच है तो एच कौन हुआ लिमिटिंग रिएजेंट तो ये पूरा खर्च हो गया टेन और इसने भी इसको टेन को खर्च करवा दिया एक मोल से एक मोल खर्च होता है तो दस मिलीमोल से दस मिलीमोल ट्वेंटी मिली मोल बच गया और ये कितना बन के आया लिमिटिंग के बेसिस पर टेन मिली मोल अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो देखो क्वेश्चन क्या होगा नाउ एचल तो खत्म हो गया एनएच तो एनए प्लस की मोलरिटी कितनी हो गई फाइनली के कितने? 20 और एक में से एक एन प्लस और एन ए प्लस कहां से आएगा यहां से भी तो आएगा कितना 10 इन एक में से एक अपॉन फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया हमने क्या वॉल्यूम एड किया था एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में बी पार्ट में वन हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड सो वॉट फोर हंड्रेड एम एल यही मोलरिटी हो गई ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी तो थ्री अपॉन फोर्टी एम सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस फाइनल कहाँ से आएगा वो एनएच माइनस एन एच से कितना ट्वेंटी मिलीमोल हुआ था एक में एक अपॉन फोर हंड्रेड तो ये कितना हो गया वन बाई ट्वेंटी एम और कौन आएगा सीएल माइनस कहां से आएगा केवल एनए सीएल से और वो कितना है दस मिलीमोल तो दस इंटू एक में से एक अपॉन फोर हंड्रेड वन बाई फोर्टी एम अच्छा बात आती है व्हाट इज द देशन ऑफ एच प्लस एच प्लस वो तो एचसीएल से आनी थी और वो पूरा का का पूरा 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 एग्जॉस्ट हो गया खर्च हो गया तो एचसीएल से नेग्लिजिबल अमाउंट है क्योंकि लगभग पूरा खर्च हो चुका है तो वी कैन से इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो यही आपके आंसर्स हैं तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे ए पार्ट में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही थी तो हमने डायरेक्ट शुरुआत कर दी कैलकुलेशन ऑफ वेरियस की, की. Reaction, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था जैसे हमने अभी किया एंड दीज आर योर आंसर्स तो क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला इफ एट ऑल ए केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग फर्स्ट यू द केमिकल रिएक्शन चेक फॉर द लिमिटिंग री एजेंट एंड देन सी हू इज रिमेनिंग इन द सोल्यूशन एट द एंडल्कुलेट देशन ऑफ वेरियस आये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मिक्सिंग के आपके स्क्यूल की रिक्वायरमेंट में भी ये फुलफिल होते हैं आते हैं पूछे जाते हैं और आई आई टी मेन्स में भी आते हैं एडवांस में भी आते हैं लेट एस डू मोर प्रैक्टिस ऑफ सच क्वेश्चन चलिए आपसे एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाते हैं जैसे मान लो ये कह दिया जाए कि 100 हंड्रेड एम एल पॉइंट वन एम ए एल सी एल थ्री प्लस टू हंड्रेड एम एल पॉइंट टू एम ए एल टू एस ओ फोर थ्राइज प्लस टू हंड्रेड एम वाटर मिक्स कर दिया इसमें और मिलाने के बाद एक फाइनल सॉल्यूशन बन गया आपको बताना है फाइंड कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी ऑफ ईच आयन इन फाइनल सॉल्यूशन। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं अब देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा आप भी मेरा तरीका सीखें ताकि आपको समय कम लगे ज्यादा स्पेस नहीं लगे और कम समय में क्वेश्चन को सही से सॉल्व करें पहला काम क्या था लुक फॉर द केमिकल रिएक्शन इफ एट ऑल एनी अक्रिंग नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए एल सी एल थ्री एंड एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों ही एल्यूमिनियम आयन के सॉल्ट हैं और दोनों ही एसिडिक सॉल्ट हैं तो नो no रिएक्शन अब बात आती है इलेवंथ के स्टूडेंट्स अभी इस मोमेंट पर कह सकते हैं सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये एसिडिक सॉल्ट हैं और एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं फॉरगेट नाउ स्टूडेंट्स अगर रिवाइज कर रहे हैं तो देरस्टैंडिक प्रोड्यूसिडिक सोल्यूशन इन वॉटर हियर ऑल्सो एल्यूमिनियम कैटाइडिस हियर ऑल्सो एल्यूमिनियम कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस सो सोल्यूशन की नेचर दोनों सोल्यूशन की क्या है एसिडिक सो नो केमिकल रिएक्शन चलिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो एल्यूमिनियम आयन की फाइनल कंसेंट्रेशन ए एल थ्री प्लस वुड बी वॉट वही एल्यूमिनियम आयन के टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम तो 100 हंड्रेड इंटू पॉइंट वन किसके मोल ए एल सी एल थ्री के एक में से एक प्लस टू हंड्रेड इंटू पॉइंट टू किसके मोल एल टू एसो फोर्थ राइस एक में से दो अपॉन टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 200, प्लस 200 प्लस 200 कितना 500 हंड्रेड एम एल वो कर लेना सॉल्व अब इसको कितना 10 प्लस ये कितना आ गया फोर एटी नाइनटी अपॉन 500. हंड्रेड नाइन बाई फिफ्टी एम सिमिलरली सल्फेट आयन की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कंसेंट्रेशन की कहाँ से आएगा केवल एल्यूमिनियम सल्फेट से कितना 200 हंड्रेड इंटू पॉइंट टू इंटू एक में से तीन अपॉन फाइव हंड्रेड सॉल्व आप कर लेंगे क्लोराइड आइनी कंसेंट्रेशन फाइनली वी कैन कैलकुलेट हाउ मच क्लोराइड आयन 100 हंड्रेड इंटू पॉइंट वन इंटू एक में से तीन कंप्लीट आयोनाइन मानते हुए अपॉन और तो कहीं से आएगा नहीं क्लोराइड आयन 500 हंड्रेड दैट इज इट यही आपके आंसर्स हैं चलिए और एक क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन इस तरीके से कहा जाए कि अच्छा रिएक्शन केवल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होती है रिएक्शन तो वेरियस टाइप्स होती हैं रिडॉक्स रिएक्शन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन चलिए यहीं पे एक नाम आया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पीपीडी का फॉर्मेशन तो प्रेसिपिटेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे मान लो क्वेश्चन ऐसे कहे कि 100 ml, 0.1 एल जी एन ओ थ्री एक्व सोल्यूशन में मिक्स कर दिया 100 हंड्रेड एम एल पॉइंट टू एम केसीएल एक्वस और बना दिया एक फाइनल सोल्यूशन क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन फाइनल सोल्यूशन नाउ सॉल्विंग इट देखो क्वेश्चन को कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है क्या बिल्कुल हो रही है सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है इसमें अगर आप के मिलाते हो के का सॉल्यूशन देन इट फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेट का ये एरोडाउन सिंबल है तो ये व्हाइट पीपीडी बनता है प्रेसिपटेट प्लस कॉन पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वास सोल्यूशन तो जहां हम एक्वस लिख देते हैं इसका मतलब इट इज सॉलेबल इन वॉटर और और दो दोनों की अमाउंट्स पता तो लिमिटिंग तो यहां हो रही है कौन सी प्रेसिपिटेशन रियक्शन एनोथ्री तो कितने मिलीमोल्स मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम तो 100 इंटू पॉइंट वन दस मिलीमोल केसीएल कितने मिलीमोल्स मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम तो हंड्रेड इंटू पॉइंट टू ट्वेंटी मिलीमोल्स अब आप ही बताओ हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट AgNO3 थ्री ये पूरा कैंसिल आउट हो गया खर्च हो गया और 10 इसने खर्च करवा दिया के तो 10 मिलीमोल तो ये बच गए प्रेसिपिटेट भी कितना बना 10 मिलीमोल और पोटेशियम नाइट्रेट कितना ऑप्टेन हुआ 10 मिलीमोल नाउ अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेसिपरेट इज नॉट दार्ट ऑफ सोल्यूशन प्रेसिपरेट तो बॉटम ऑफ द कंटेनर इकट्ठा हो गया है सेटल डाउन हो गया सोल्यूशन का पार्ट नहीं है तो इसमें से कोई आयन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इन द मोलरिटी ऑफ वेरियस आय प्र सोल्यूशन तो इसे काउंट ही नहीं करेंगे हम तो हम अब के प्लस की फाइनल कंसेंट्रेशन वी कैन कैलकुलेट कहा से आएगा के सीएल से भी आएगा और के एन ओ थ्री से भी आएगा के प्लस कितना 10 इंटू वन प्लस यहां से भी कितना 10 इंटू वन अपन फाइनल वॉल्यूम कितना 100 एम में 100 एम मिलाए थे 200 ml. तो 20 माइनस कंसेंट्रेशन फाइनली विल बी वॉट क्लोराइड आयन कहाँ से आएगा केवल KCl से आएगा कितना 10 मिलीमोल mm इंटू एक में से एक अपॉन 200 हंड्रेड वन बाई ट्वेंटी एम सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट के प्लस हो गया सीएल माइनस हो गया इधर आओ के प्लस तो हो चुका नाइट्रेट आयन कंसेंट्रेशन वी कैन कैलकुलेट वुड बी वॉट नाइट्रेट आयन दस इन एक में से एक अपॉन फाइनल वॉल्यूम टू हंड्रेड वन बाय ट्वेंटी एम सो लाइक दैट वी कैन कैलकुलेट अच्छा कई बार बात आती है कि नाउ वट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस तो एजी प्लस की जो कंसेंट्रेशन होगी क्लोज टू जीरो क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हैज एजी प्लसिपेड इन दी सी एल एजिपटेड तो वो सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है PPT is not the part of solution. तो उसको हमने जीरो कर दिया। यही आपके हो गए। तो क्वेश्चन ऑफ मिक्सिंग अब यहीं पे कई बार स्टूडेंट्स को एक डाउट आता है कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन पीपीटी बनाते हैं देखो इसके लिए तो अलग अलग चैप्टर्स होते हैं एक चैप्टर होता है इक्विलिब्रियम जहां पर आपको एस पी के बेसिस पर सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पर बताया जाता है कि कौन कौन प्रेसिप्रेट बनाते हैं और साथ में क्वालिटेटिव एनालिसिस जब आप पढ़ते हैं ट्वेल्थ क्लास में देन ऑल्सो यू लर्न अबाउट दीज पॉइंट्स के कौन सॉल्ट वाटर में सोलिबल हैं और कौन से सॉल्ट वाटर में सोलिबल नहीं हैं अभी के लिए जो कि मोल कॉन्सेप्ट एक पहला चैप्टर है बेसिक चैप्टर है तो अभी के लिए बस इतना सफिशियंट है आपके लिए कि आप याद रख लें कि फॉलोइंग salts आर insoluble इन in water कौन से जैसे AgCl, ए जी बी आर ए जी आई बेरियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट पीबीआई टू एटसेट्रा अभी के लिए बस इतना भी याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे बाद में जब इनकी बारी आएगी तो वी विल लर्न इन डिटेल और एक क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो लिख लें वॉट वॉल्यूम ऑफ पॉइंट टू एम एच टू एस एफ ओ टू बी मिक्सड in 100 ml point uh, 2 m KOH aqueous so that final molarity of H2SO4 is 0.1 m. मान लो ये क्वेश्चन है आप एक बार जरा क्वेश्चन तो पढ़ो कितना वॉल्यूम वॉट वॉल्यूम ऑफ पॉइंट टू एम एच टूज टू बी मिक्सड इन वन हंड्रेड एम एल पॉइंट रिएक्शन तो होगी क्योंकि एच टोजो एक एसिड है और के ओ एच एक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन फाइनली क्वेश्चन ने क्या किया मैं फोर बच रहा है इसका मतलब हु शुड बी द लिमिटिंग रि एजेंट के के ओ एच विल सर्व एज लिमिटिंग बस अब क्वेश्चन बहुत आसान है अब सॉल्व हो जाएगा रिएक्शन कराओ एच टू एस फोर प्लस टू के ओ एच एक्वस लिख लें ये अच्छी हैबिट होती है एक्वस लिखने की क्या बना K2SO4 plus H2SO4 के टू एसओ फोर प्लस टू एच टू एच टू एस ओ फोर के मान लो वॉल्यूम वी एम एल था इंटू पॉइंट टू क्या बन गए मिलीमोल के ओ पे आओ वॉल्यूम वन हंड्रेड इंटू पॉइंट टू कितने ट्वेंटी मिलीमोल और साथ में हमने यह भी पढ़ा के ओ एच इज द लिमिटिंग रिएजेंट हियर ये बीस पूरा खर्च हो जाएगा दो मोल से एच टू जो कितना खर्च होता है वन मोल तो फिर बीस से कितना खर्च हुआ आधा इसका 10 मिलीमोल तो 10 मिलीमोल खर्च हो गए इन टू पॉइंट टू मिलीमोल थे दस मिलीमोल खर्च हो गए ये बचेवे मिलीमोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम V प्लस कितना 100 हंड्रेड एम एल बचे वे मोल फोर के डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग शुड बी द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ फोर एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज पॉइंट वन बस क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया तो सॉल्व करेंगे तो पॉइंट वन वी प्लस 10 शुड बी इक्वल टू 0.2v टू माइनस इसको इधर ले आओ तो 0.1v वन इज इक्वल टू तो v इज इक्वल टू 200 ml यही आंसर है सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको प्रैक्टिस करें तो रिवीजन में जरूर रखें तो ये थे प्रॉब्लम्स लाइक दिस हो गए ये क्वेश्चंस कंसेंट्रेशन टर्म्स के बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफ मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं मान लो क्वेश्चन ऐसा कहे कि 100 हंड्रेड एम एल ट्वेंटी परसेंट डब्ल्यू बाई डब्लू एन एच एक्वस जिसकी डेंसिटी है 1.4 ग्राम पर एम इसको कन्वर्ट कर दिया बाय डाइल्यूशन और बाय सम मींस इनटू इसमें वाटर मिला दिया और फाइनली परसेंटेड डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जो है वो हो गई मान लीजिए टेन परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एन एंड डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर एम मान लो ये वी एम मिलाया था तो क्वेश्चन यही कहे फाइंड वी तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपने पानी ही तो मिलाया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी मिलाने से पहले नंबर ऑफ मोल एन एच पानी मिलाने के बाद शुड बी सेम तो चेक करेंगे 100 ml वॉल्यूम डेंसिटी 1.4 ये किसका मास हो गया सॉल्यूशन का उसमें कितने परसेंट पड़ा हुआ है तो 20 परसेंट पॉइंट टू किसका मास हुआ एन का यही मास NaOH का प्रोडक्ट में भी होना चाहिए तो फाइनल वॉल्यूम कितना 100 plus VML into density 1.2 ये किसका मास हो गया फाइनल सॉल्यूशन का उसमें कितने परसेंट NaOH हैं 10 परसेंट तो 0.1 मास ऑफ NaOH दैट शुड बी सेम तो एक बार आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 0.2 into 120 to 28 would be equal to 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कितना हो गया 120 प्लस वन पॉइंट टू वी अपॉन पॉइंट वन सॉल्व करेंगे तो वन पॉइंट टू वी इज इक्वल टू टू एटी माइनस वन ट्वेंटी तो कितना हो गया वन सिक्सटी तो वी की वैल्यू हो गई वन सिक्सटी अपॉन वन पॉइंट टू एम एल यही आंसर है सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन so like that uh, you can so you can practice more and more number questions of whatever textbook you have you have with you based on it i think these examples will be sufficient enough to make your concepts clear about mole concept thank you that is it